अच्छा किस रब की? अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध फिराशन वस्समा बिना, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया। वअंज़ला मिनस समाए मा, और आसमान से पानी बरसाया। फाखरजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और फिर उस पानी के जरिए से जमीन से मेवों की शक्ल में, पैदावार की शक्ल में तुम्हारे लिए रिज़्क़ उगाया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून, तो हरगिज ना अल्लाह का मद्दे मुकाबिल किसी को ठहराओ जानते बूझते। वअंतुम तअलमून का एक मतलब यह भी है कि तुम भी मानते हो कि इस कायनात का खालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अहले अरब भी मानते थे, जो उनके देवी देवता थे वो समझते थे कि ये अल्लाह के अवतार हैं, या अल्लाह के यहाँ बहुत ये पसंदीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उसके औलिया हैं, उसकी बेटियां हैं, लिहाजा ये शफात करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, वरना खालिक वो मानते थे, अल्लाह एक ही है। जब तुम ये मानते हो कायनात का खालिक एक, मुदब्बिर एक, तो अब किसी को उसका मद्दे मुकाबिल ना बनाओ। अंदाद निद की जमा है, ला जिद्द लहू वला निद्द लह, अल्लाह का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। इसमें यहां तक बात है कि हुजूर इस दर्जे, इस तौहीद की बारीकियों तक पहुंचा कर गए हैं इस उम्मत को कि किसी सहाबी ने ऐसे ही कह दिया, माशा अल्लाह व मा शेता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। हुजूर ने फौरन टोक दिया, अजालतनी लिल्लाह निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया है? इस कायनात में मशीयत सिर्फ एक की चलती है, किसी और की मशीयत उसकी मशीयत के ताबे पूरी हो जाए हो जाए, लेकिन मशीयत मुतलका सिर्फ उसकी है। यहां तक कि हुजूर से फरमाया गया कि ए नबी, आपके लिए ये मुमकिन नहीं है जिसे चाहे हिदायत दे दें। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अगर ये इख्तियार में होता तो अबू तालिब दुनिया से बगैर ईमान लाए ना जाते। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून, अब इन दो आयतों में तो यूं समझिए, तौहीद, तौहीद नजरी भी और तौहीद अमली भी। तौहीद अमली क्या है? बंदगी सिर्फ उसी की हो। अब आया है रिसालत का मामला, वइन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें रिसालत मोहम्मदी पर शक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके क्या मानी है कि तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, अगर है शक फिल वाकई, वइन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें वाकईतन शक है, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उस पर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो ले आओ उस जैसी एक ही सूरत। यह हम कल पूरी तफसील से देख चुके हैं कि बरसबील तनज़ुल यहां पहुंचे हैं। पहले दो आयतें मैंने आपको सुनाई थी, इसमें पूरे कुरान की मिसाल लाने का चैलेंज किया गया, फिर एक आयत सुनाई जिसमें 10 सूरतें ही ले आओ, अब आखिरी दर्जे में एक सूरत ही बना ला, और एक सूरत तो सूरतुल आसर के मुसावी भी हो सकती थी, सूरतुल कौसर के मुसावी भी हो सकती थी। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुला लो अपने सारे मददगारों को अल्लाह के सिवा, जिन हो इंस हो, इसलिए कि कुरैश का ख्याल यह था कि जो शुअरा होते हैं इनके पास जिन होते हैं, वो जिन इन्हें सिखाते हैं, वरना आम आदमी तो ये शेर नहीं कह सकता। तो तुम्हारा अगर कोई गुमान है कोई जिन्नात सिखाने वाले हैं, कोई इंसान है, खतीब है, शुअरा है, अदीब, सबको जमा कर, इन कुंतुम सादिकीन। अब ये है बहुत ही, इसको मैंने कल कहा था आपको याद होगा, कुरान का अंदाज क्या होता है कि वो अपने अंदर झांकने की दावत देता है। ये गोया के आंखों में आंखें डालकर ये कहा जा रहा है कि हकीकत में तुम्हें कोई शक नहीं है, ये तुम बात बना रहे हो सिर्फ, अगर वाकई तुम शक है तो आओ मैदान। हकीकत यह कि तुम्हें शक नहीं है, अगर तुम सच्चे हो, फातू बे सूरत मिसली, तो इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ।